केसर वाली होती है। और आप देखिए काफी गाढ़ी है और इसमें ये ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका अकबर अहमद एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले हमारी ऑडियंस को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमजान स्पेशल महीना है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है यार अकबर तो हमेशा हर जगह के ब्लॉग करते हैं भाई फूड पे करो फूड पे करो। तो इस मुबारक महीने में हम करने आए हैं फूड पे ब्लॉगिंग और हम इस वक्त आ चुके हैं अजीज नगर नियर जामा मस्जिद मड़ियाओं पे। और यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है आज लस्सी स्टेशन का। तो आज ही आपके भाई ने धमाका कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त लस्सी है जूस है, तो बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी हम ओनर भैया से पूछेंगे कि क्या क्या वैरायटी है, कैसे कैसे आप अगर ऑनलाइन ऑर्डरिंग है या कैसे कैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो भी बताएंगे। डिस्क्रिप्शन पे ये एड्रेस भी है और ये रहा एड्रेस अगर आपको वाकई बहुत लस्सी के दीवाने हैं। और एक सार की बात, अगर आपको लस्सी पीना है गले को ठंडा करना है तो सीधे चले आइए हमारे लस्सी स्टेशन पे। तो आइए हम लस्सी ट्राई करते हैं और आपको कुछ सिनेमैटिक व्यू भी दिखाते हैं क्योंकि मेरा ब्लॉग सिनेमैटिक के अलावा अधूरा है। तो आ जाइए। हमारे साथ में है नावेद भाई जो कि यहाँ का पूरा कारोबार संभालते हैं। और तो नावेद भाई, हमारी ऑडियंस को बताइए कि लस्सी के अलावा और आप क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या हमारी ऑडियंस को खिलाते हैं? देखिए कुर्सी है भाई, हमारे पास कई प्रकार से शेक और शेक है, वो भी डिफरेंट वैरायटी है राइट। यहाँ पे जूस है, लस्सी है और आइसक्रीम है और जो भी इसके प्राइसेस हैं, जो भी मेन्यू है, आप इसके इंस्टाग्राम पेज है जिसकी आईडी ये रही तो वहाँ पे आइए और आईडी पे कॉन्टेक्ट करिए, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और नावेद भाई बहुत अच्छी लस्सी बनाते हैं और अभी भी हमें बना के खिलाने वाले हैं, तो हम आपको ट्राई करके बताते हैं कैसे है। और जो इस इलाके के मड़ियाओं के लोग हैं, अरे बच्चे बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है पब्लिक ज़्यादा लगता है। तो जितने भी अपनी मड़ियाओं की ऑडियंस है सीधे चले आइए लस्सी स्टेशन, क्योंकि बहुत में पानी भी आ रहा है, बहुत धमाकेदार लस्सी होने वाली है। तो आइए अब हम सीधे लस्सी पीते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ की लस्सी का टेस्ट है कैसा। आ जाइए। तो ये हमारे मुईद अहमद साहब जो आए हमारे लस्सी स्टेशन पे और हम जानते हैं, ये हमारे कस्टमर भी हैं, कि आखिर यहाँ की लस्सी का टेस्ट कैसा है। बेहतरीन, मजा आती है पीने में। और आपने क्या क्या ट्राई किया है लस्सी स्टेशन का? यानी आपको मजा आ रहा है, लाजवाब। सबसे अच्छी चीज, आपने कई जगह की लस्सी पी होगी लेकिन यहाँ की कुछ क्या स्पेशल आपको समझ में आता है? डेकोरेट, यानी कि आपके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, प्लेटिंग बहुत अच्छी है राइट। देखिए कोई भी चीज़ आप कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने अच्छे से उसको सजा दिया तो वैसे कहते ना कि लिपि पुति चतुरिया और सजी मजी दुल्हनिया दोनों अच्छी लगती हैं, क्या बात है। तो गाइस आइए एक और रिव्यू लेते हैं, हमारे साथ में अमन भाई जो कि बहुत देर से लस्सी पी रहे थे, हमने कहा हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप लस्सी पी रहे हैं, टेस्ट कैसा है? टेस्ट भाई इसका बहुत ऑसम है, पी रहे हैं जैसे दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें लगता है यार काफ़ी पतला होता है, यहाँ पे पी रहे हैं तो यार काफ़ी ऑसम लग रहा है, गाढ़ा भी है और मिठास तो माशाल्लाह, क्या कहना है भाई, क्या बात है। मतलब कि अगर आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत है मिठास ना, तो कैसी बात। तो लस्सी स्टेशन से भी मोहब्बत करिए और आइए सीधे अजीत नगर नियर जामा मस्जिद मड़ियाओं पे। और अब हम चल रहे हैं, हम भी तो आपको टेस्ट करके बताए क्या क्या हमें कैसी लगती है। थैंक यू सो मच भाई, आप भी पीछे हम तो कह रहे हैं यार काफी अच्छा, हमारे लिए ना हमारे लिए बन रही है, हम बिल्कुल हम बिना पिए रह कैसे सकते हैं भाई, तरस रहा एकदम पीछे से बोला। प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है गाइस, और कोई खाना खाने का दिल तभी करता है यार जब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ की प्रेजेंटेशन तो मुझे बहुत पसंद आई और इसको पीने को खाना चाहिए।
दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट है और काफ़ी गाढ़ी है, और आम पना नहीं होता उसका वैसा टेस्ट आ रहा है। और आप देखिए काफ़ी गाढ़ी है, और इसमें ये ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, और रुआबज़ा भी है। रुआबज़ा ने और टेस्ट को इंक्रीज किया हुआ है। और अब आइसक्रीम खाते हैं, मतलब गर्मियों में अगर आप गला ना ठंडा करें तो फिर क्या ठंडा करें। बहुत अच्छा टेस्ट है, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, रुआबज़ा है, आइसक्रीम है, और ऑफकोर्स दही तो है ही। इसका आमपना फ्लेवर है तो बहुत अच्छा है। और आज इसकी गाइस ओपन है तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एक दो दिन में हो जाएंगी, मेरी बात हुई ऑनर से। तो गाइस ये आपका, अगर आपको दिल कर रहा है कुछ ठंडा पीने का, कुछ लस्सी जूस या आइसक्रीम खाने का, तो सीधे चले आइए लस्सी स्टेशन। इसका जो एड्रेस है वो ये रहा और मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी है, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, और बाकी हमारा लस्सी स्टेशन है इंस्टाग्राम पे भी, ये आईडी रही। तो आइए वहाँ फॉलो करिए, वहाँ पे सारे आपको अपडेट मिलता रहेंगे कि कौन सा फ्लेवर कब आया। और बहुत अच्छा टेस्ट है, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर गाइस ये ब्लॉग आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो बस हमारे ब्लॉग को शेयर करिए, लस्सी स्टेशन आइए, लस्सी पीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए अच्छे और एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक है, लव यू गाइस, और लस्सी स्टेशन आइए और लस्सी पीते रहिए।